इनायतपुर में पुलिस भीड़ झड़प के दौरान पुलिस पर फायरिंग के आरोप लगे। पुलिस फायरिंग में दो लोगों के घायल होने की घटना के विरोध में वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू की ओर से मानिकचक ब्लॉक जौर में 12 घंटे की हड़ताल चल रही है। शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। सिंटू द्वारा आहूत हड़ताल का शुक्रवार को व्यापक असर रहा। मानिकचक के विभिन्न इलाकों में सुबह से ही दुकानें बंद हैं। सड़क पर वाहनों की संख्या भी अन्य दिनों की तुलना में काफी कम है। इनायतपुर क्षेत्र एक स्थिर वातावरण में है। पूरा क्षेत्र व्यावहारिक रूप से पुरुषों से खाली है। इस बीच पुलिस की गश्त जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मशक्का जैन ने क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा पहलू का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल इलाके में माहौल शांत है, कोई ताजा गड़बड़ी नहीं हुई, बंद का क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ा है। अभी तक कैसा सिचुएशन है स्ट्राइक का? अभी तक स्ट्राइक का से कुछ दिखा नहीं है अभी तक। सब शॉप नॉर्मली चल रहा है। अच्छा। मार्केट वार्केट सब ओपन है। अच्छा। और अभी तक जो उनका था बंद का स्ट्राइक अभी दिख नहीं रहा है। जो जो अपना है गाड़ियाँ चल रही है, रास्ता सब खुला हुआ है, पुलिस पहरा दे रहा है। हम यहाँ कोई कहाँ पर कोई इंसिडेंट वगैरह कुछ नहीं, अभी तक ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ है। अच्छा। और अभी इस इलाका में जो स्ट्राइक किया था कल, आज इलाका कैसा है? इलाका शांत है। पुलिस की ठीक है। कभी अभी पुलिस के साथ काफ़ी फेवर दे रहे हैं यहाँ पे लोकल लोग, लोकल लीडर्स। तो अभी कुछ हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।